ज्वाइंट पेन की जो शिकायत है वो विरासत से भी आती है, जो सिर्फ दर्द हो रहा हो और टक टक की आवाज आ रही हो, ये अर्थराइटिस कहलाता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए जिनकी उम्र 20 साल भी नहीं है, उनको भी जोड़ों के दर्द की शिकायत होगी। जब विटामिन डी कम हो रहा होता है उसकी वजह से घुटने टेढ़े भी हो जाते हैं। छोटी सी रेमेडी आपको बता रहा हूँ, आप ये इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप वॉक करेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं और अलगिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज हम मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर की क्लिनिक में और आज हम उनसे बात करेंगे कि जो जोड़ों का दर्द होता है ये आखिर तो क्यों हो जाता है और इससे हम किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं या इसको किस तरह से कम कर सकते हैं या इसके लिए क्या रेमेडी है जो हम घर में बना के खुद इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जोड़ों का दर्द, अब जोड़ों का दर्द जब भी हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से बुजुर्ग आ जाते हैं सबसे पहले, कि जो थोड़े से एजेड हैं उनके जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन आजकल तो देखा गया है कि जवान भी जो है वो भी घुटना पकड़ के बैठा हुआ है, तो ये क्या है, इसकी वजूहत क्या है, क्यों हो रहा है ये? रेल भाई, बेसिकली तौर पे ये है कि जैसे घुटनों में जो दर्द होता है वो रूब्लिकेंट कम हो जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से इसमें टक टक की आवाज़ भी आती है, कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। जो सिर्फ दर्द हो रहा हो और टक टक की आवाज़ आ रही हो, ये अर्थराइटिस कहलाता है। ओके। और एक होता है जिसमें सूजन आ रही है, एक एक जोड़ में सूजन महसूस हो रही है और साथ में दर्द भी कर रही है, तो वो रोमेटाइज अर्थराइटिस होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें यह है कि जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, गैप इसका बढ़ जाता है, तो फिर डॉक्टर कहते हैं ये घुटना तब्दील करना होगा। ज्वाइंट पेन की जो शिकायत है वो विरासत से भी आती है। Okay. जैसे अगर आपके वालदेन में भी था तो वो बच्चों में भी आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक। तो इसकी कोई एज नहीं होती, या पहले तो ये होती थी 40-45 साल के बाद या 50 साल बाद शुरू होती थी। अब मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए जिनकी उम्र 20 साल भी नहीं है, उनको भी जोड़ों के दर्द की शिकायत होगी, या उंगलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, जब उसमें विटामिन डी कैल्शियम कम होता है तो उंगलियाँ टेढ़ी होती हैं, सिर्फ अगर कैल्शियम कम हो रहा हो तो उंगली पे उंगली आ जाती है यूं, फिर वापस उसको यूं करके सीधा करते हैं। ओके। यूं खोलते हैं तो यूं दो उंगलियां खुल जाती हैं, एक यूं ही रह जाती है, तो ये कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जब विटामिन डी कम हो रहा होता है उसकी वजह से घुटने टेढ़े भी हो जाते हैं। ओके। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अपने घुटनों को ठीक करने के लिए और अपने आप को बेहतर फिट रखने के लिए एक छोटी सी रेमेडी आपको बता रहा हूँ, आप ये इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप वॉक करेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है, ये सुरंजान शीरी है। ये इसका पाउडर? ये इसका पाउडर है, ये सुरंजान शीरी है। इसका वज़न आपने लेना है 20 ग्राम। अच्छा रेलवे, एक चीज़ है कि इनका वज़न ख़ास तौर पे याद रखिएगा, कि इसमें हमने एक चीज़ 20 ग्राम डाली है और ये है काला गोंद, ये साबुत है काला गोंद, ये ब्लैक कलर में भी मिल जाता है, मैरून में भी मिल जाता है, तो काला गोंद होता है, ये इसका पाउडर है। इस काला गोंद की खसूसियत यह है कि इसमें विटामिन के की मिकदार और जिंक की मिकदार बहुत पाई जाती है। ओके, जबरदस्त। तो ये हमने लिया 50 ग्राम। ओके, ये 20 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, ये 50 ग्राम है। ठीक है। ये है अजगन नागौरी। ठीक है, अजगन नागौरी, इसमें विटामिन B12 और B6 की बहुत मिकदार पाई जाती है, जो कि आपके पट्ठों के लिए बहुत बेहतरीन है। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम, बाकी तमाम चीज़ें 50-50 ग्राम है। ठीक है। ये है चौप चीनी। चौप चीनी, चौप चीनी, ठीक है। इसमें विटामिन डी भी है, इसमें कैल्शियम भी है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपके हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। चौप चीनी ये पेन को भी ख़त्म करती है। ये इसका पाउडर है, इसका वज़न भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने 50-50 ग्राम और एक चीज़ सुरंजान शीरी 20 ग्राम हमने इसमें ऐड किया और इस तरीके से आपने इसका बारीक सफूफ बना लेना है। ठीक है। और जब ये आप इन सबको मिलाकर भी आप एक ही मशीन के अंदर भी आप डाल सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, ये तो हमने डेमो करके अलग अलग बताया आपको। अच्छा, जैसे ये साबुत भी आपने दिखाया और इसका पाउडर भी दिखाया जी, तो जी। जो दुकान है पंसारी की दुकान है जहाँ से सारी चीजें मिलती है, वहां से पाउडर भी मिल जाएगा? नहीं, पाउडर नहीं खरीदना आपने। ठीक। आपने साबुत लेना है, खुद पिसवाना है और देख के लेना है। इसमें अगर सुराख हो बूटियों के अंदर वो समझो आपके लिए नाकार है, आपने लेना है बिल्कुल फ्रेश पीस लेना है जिसमें कोई सुराख ना हो। देखें इसमें कोई सुराख नहीं है, इसमें कोई सुराख नहीं है, आप देखें, और इनको भी आप देखेंगे इनमें कोई सुराख नहीं है, तो ये उसमें डंग लगा हुआ होता है जो कि पुराना होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी है, आपने खुद लेना, साफ सुथरा लेना और किसी अच्छी दुकान से लेना, दो पैसे ज़्यादा खर्च करना लेकिन चीज़ अच्छी लेना। ठीक है। तो इस तरह बारीक पाउडर बनाकर इसकी एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, एक कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आपने 3 महीने यूज करना है। 3 महीने? 3 महीने। ठीक है। पहले 5-6 दिनों में दर्द में काफी आराम होगा आपको, आप ये ना समझिए कि आप ठीक हो गए, आपने इसको कंटिन्यू 3 महीने करके छोड़ देना। आप दौड़ेंगे,
इसी दौरान वॉक जारी रखें। अच्छा, एक वही सवाल फिर से आ जाती है चीज के, अगर किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, इसे शुगर का, बीपी का, हेपेटाइटिस का, तमाम पेशेंट इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई ज़्यादा गर्म चीज़ है, ना तो इसके अंदर कोई मीठा है, ना इसके अंदर कोई नमकीन है। ठीक है, इसे तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं जिनको कमर दर्द की शिकायत रहती है। ओके, ये उसके लिए भी बेहतर है, पट्ठों के दर्द के लिए भी बेहतर है, घुटनों के दर्द के लिए भी, एड़ियों के दर्द के लिए भी बेहतर है ये, तो इसे तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये पीना दूध के साथ, पानी? दूध या पानी के साथ, अगर के साथ आपको दूध से एलर्जी, आप पानी से इस्तेमाल करें, काम इसने करना है, काम वही करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच हकीम साहब, आपने आज बड़ी जबरदस्त रेमेडी बताई, और जितने लोगों को अगर घुटनों में, कमर में या इस तरह की कोई शिकायत है दर्द की, तो जरूर वो इससे फायदा उठाएंगे। जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारी web.com को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़।